हेलो गाइस, माई सेल्फ विपिन तोमर, यू आर वाचिंग विपिन क्रेजी इन्फो। दोस्तों, मेरे पास काफ़ी सारी क्वारी आ रही है रिगार्डिंग पीएनबी की ज्वाइनिंग कब होगी, ज्वाइनिंग का प्रोसीजर क्या होगा, मेडिकल होगा या नहीं होगा, ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग होगी या नहीं होगी। ये सभी क्वारी आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि कोई डॉक्यूमेंट आपने सबमिट नहीं किया है पीएनबी डीवी के टाइम पे, जो उन्होंने नोट किया है आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं था, तो उसको आप रेडी कर लीजिए, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट आपने नहीं सबमिट किए हैं डीवी के टाइम पे, वो अभी आपको सबमिट करने पड़ेंगे ज्वाइनिंग के टाइम पर। पीएनबी की ज्वाइनिंग की मेल 15 जून के आसपास आपको मिल जाएगी। सेकंड और थर्ड वीक जून में मेल आना शुरू हो जाएगा, सभी को मेल आ जाएगा। पीएनबी एसडब्ल्यू के लिए ज्वाइनिंग जुलाई के फर्स्ट वीक से होने वाली है। ज्वाइनिंग के बाद आपकी 2 वीक की ट्रेनिंग होगी, हो सकता है 1 वीक की भी हो जाए, लेकिन मैक्सिमम 2 वीक और मिनिमम 1 वीक की ट्रेनिंग कंपलसरी है। उसी के बाद आपको ब्रांच अलोकेट होगी। मेडिकल आपको खुद से कराना होगा। जब भी आपके पास मेल आ जाएगी, उसमें सभी फॉर्म्स रहेंगे, मेडिकल फॉर्म्स रहेंगे, ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटीज उसमें बताई जाएगी, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है। जब भी आप मेडिकल कराएंगे, या तो आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से मेडिकल करा सकते हैं, या फिर पीएनबी के ऑथराइज्ड हॉस्पिटल होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वहाँ से भी आप मेडिकल करा सकते हैं। काफ़ी सारे बंदे ऐसे हैं जो पहले से किसी दूसरे बैंक में काम कर रहे हैं, जैसे मैं खुद SBI में काम कर रहा हूँ। यदि आपको पीएनबी ज्वाइन करना है या उसकी ज्वाइनिंग के लिए जाना है, तो आपको NOC सर्टिफिकेट भी लेके जाना होगा। साथ में आप वहाँ पर जाने के बाद में, सब कुछ फॉर्मेलिटी कंप्लीट होने के बाद में, वहीं पर आप एक्सटेंशन मांग सकते हैं, आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो प्रीवियस एम्प्लॉयर है, वहाँ पर आप रेजिग्नेशन दे सकते हैं, यदि आपको PNB ज्वाइन करना है। इससे रिलेटेड यदि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। आगे मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।